हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। और आपको स्वागत है फिर एक बार आपके अपने फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है मोनो गेमर्स। और मैं लेके आया हूँ फिर एक बार माइनक्राफ्ट का अगला एपिसोड। मुझे पता है अभी अब मैं जो हूँ थोड़ा बहुत अच्छे से जो वीडियो डालना शुरू कर लिया हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो ये शायद आप लोगों को 18 तारीख को देखने को मिलने वाला होगा, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन डालता हूँ। तो ये वाला जो होगा 18 तारीख को, और ये होने वाला है एपिसोड नंबर 7। और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, हम लोग ट्राई करने वाले हैं बनाने का कैक्टस फार्म। तो देखते हैं हम लोग बना सकते हैं या फिर नहीं। उसके लिए कुछ सामान भी लगने वाला है, तो मैं देखता हूँ मेरे पास सामान है क्या नहीं। मेरा यहाँ पर से दरवाज़ा टूट चुका है, मुझे पता नहीं हर टाइम पे कैसे टूट जाता है, पर वो टूट चुका है। ठीक है, तो अभी मैं सामान देखता हूँ मेरे पास है या फिर नहीं। तो मैंने कैक्टस जस्ट तोड़ के लेके आया था शायद से मैं। और यहाँ पर आप लोग देखो, ये मैंने नया चीज़ बनाया है, ये बहुत ज़्यादा इंजॉइंग थिंग है, इसका आवाज़ भी मस्त आता है। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जाके, जहाँ पर मेरा न्यू जो चेस्ट रूम है उसके अंदर रखा था मैंने। यहाँ पर आप लोग देखो, मेरे को कैरेट्स भी मिले थे, उसको मैंने सीड बाय सीड ग्रो करके, अभी इस सीड इंक्रीजिंग करके मैंने इसको यहाँ पर कैरेट्स लगाया है, पीछे आलू लगाया है, और यहाँ पर आलू है, यहाँ पर मेरे पास थोड़े से बीट रूट के सीड्स भी थे, तो मैंने उन लोग को भी डाल दिया। तो मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ डाल देता हूँ डायरेक्टली, ताकि मुझे जो जल्दी से उनका यील्ड मिलते रहे। और फिर यहाँ पर से चलो बाहर जाते हैं अभी। ओ, हम लोग को तो जाने का था ऊपर एक्चुअली, तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पे हमारे चेस्ट रूम के अंदर आपको एक बड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। ये है हमारे चेस्ट रूम का बड़ा सा चेंज, ये होने वाला है ये वाले पार्ट्स। इसके अंदर हम लोग, मैंने ये लगा के रखा है देखो, यहाँ पर जैसे ही बीफ लगा के रखा है, इसके अंदर खाना है, ये चेस्ट नहीं है, ये है इसके अंदर सब डाय है, जहाँ पर से मैंने बहुत मेहनत से ये कलेक्ट किए है। इस नीचे कॉबलस्टोन, और यहाँ पर होने वाले है टूल्स, तो ये सब टूल्स है। यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं डाला है, पर ये रैंडम चेस्ट होने वाली, यहाँ पर मैंने ये कर लिया है। और चलो अभी के लिए बस इतना ही लगने वाला है, तो चलते हैं। मुझे पता है मैं इतनी सी चीज़ यहाँ पर रख के आया था, और रहने दो यहाँ पर ही। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले तो घर पे बाकी का सामान लेने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थिंग है कैक्टस फार्म के लिए। तो और अब मैं इस वीडियो में आपको मेरा स्केलेटन फार्म भी दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा तगड़े तरह से मैंने बनाया है उसको। उसके लिए तो यहाँ पर मेरे पास सामान है। ओके, तो यहाँ पर इक्विप हो जाओ। ठीक है, ये इक्विप हो गया, और यहाँ पर ये तो मस्त है, आपको मैंने लास्ट पिछले एपिसोड में ही दिखा दिया था। ठीक है, तो अभी जाते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ अपना स्केलेटन फार्म का, पर मुझे कुछ खाने के लिए लगेगा, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। वाह, ठीक है, तो हम लोग अपना इसी से काम चला लेंगे, ब्रेड से। ठीक है, तो ये ब्रेड मैंने बना लिए बहुत सारे। चलो जाते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ अपना स्केलेटन फार्म, फिर हम लोग बनाएंगे अपना कैक्टस फार्म। क्योंकि फार्म बनाने फिर हम लोग का जो है वो काम एकदम आसान हो जाएगा, जिससे कि हम लोग बहुत कुछ जो है जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ओ नो, आवाज़ फिर से ज़्यादा हो गया, मैं आता हूँ आवाज़ ठीक करके। ठीक है, तो मैं फिर आवाज़ ठीक करके आ चुका हूँ, मुझे पता नहीं बार बार मैं भूल जाता हूँ। और यहाँ पर ये है हमारा स्केलेटन फार्म, चलो नीचे जाते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको अंदर क्या क्या चीज़ें किए। यहाँ पर एक लैडर्स तो लगा दिए, आपको नहीं दिखाया था लैडर्स का पार्ट। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लैडर को इधर उधर किया है, क्योंकि मेरे को एक रीज़न के कारण था, यहाँ पर डायरेक्टली स्पॉनर के ऊपर गिरा था। यहाँ पर सिर्फ एक दो सेकेंड AFK करने के बाद जस्ट इतने सारे यहाँ पर स्पॉनर थे, फिर यहाँ पर से जानेंगे। थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रास्ता है, पर एकदम प्रो लेवल का ये फार्म है। और यहाँ पर से नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो यार, कितने सारे स्पॉन हो जाते हैं। ये तो अभी तो बहुत कम है, ये लोग दोनों देखो एक आपसे में झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम है ये तो, क्योंकि मैं वहाँ पर AFK किया ही नहीं था। यहाँ पर देखो यार, इतना सारा बोज मुझे मिलता है, एरोज मिलते हैं, और यहाँ पर बोन तो देखो, बोन मिल की तो कभी कमी ही नहीं होने वाली। यहाँ पर इतने सारे आ जाते तो मेरा लेवल देखो 40 हो गया, सिर्फ थोड़े देर के लिए यहाँ पर खड़े रहने के बाद इतने सारे आ जाते हैं यहाँ पर, कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, चेस्ट आपका पूरी तरह से भर जाएगा। तो वो चेस्ट भरने के बाद मुझे उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर मैं किधर तो एक और चेस्ट स्टोर रूम बना दूँगा, अगर अगर भर रहा होगा तो ही, नहीं तो नहीं।
यहाँ पर आपको सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए एफके करने का, बस बस यहाँ पर इतने सारे ज़ोंबी स्पॉन होते रहते, ज़ोंबीज बोल रहा हूँ सॉरी, स्केलेटन स्पॉन होते रहेंगे जितने, काफ़ी है यार, काफ़ी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी ये इसके ऊपर का वीडियो नहीं है, मैंने इसको प्राइवेटली बनाया है क्योंकि मैंने ज़ोंबी फार्म आपके सामने बनाया था तो सेम टू सेम एकदम बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं इस टाइम पे कैक्टस फार्म बनाने वाला हूँ जो कि होने वाला है पूरी तरह से मेड बाय मी। मैं ये सब फार्म्स खुद से बना रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे देख के, वीडियोस दूसरे लोगों के देख के, अभी तक तो मैंने नहीं बनाया एक भी। कोई मुझे अगर हेल्प कर रहा होगा मेरे फ्रेंड्स लोगों में से तो उनके द्वारा ही पता करके, बस उतना ही मैंने जो है उसके अंदर लास्ट टाइम के अंदर एडिटिंग किया था। यहाँ पर हम लोग किधर तो बनाएंगे हम लोग के फार्म को, तो शायद से मैंने जैसे देखा था फार्म जैसे चलता है उसके बेसिस पे मैं फार्म बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को सैंड भी लगने वाला है बहुत सारा, वो सैंड है मेरे पास। ओके ठीक है, तो और नहीं है सैंड नहीं है। ठीक है, तो अभी और पानी लगेगा, तो मैं बकेट्स लेके जाने वाला हूँ, कुछ टॉर्चेस तो लगेंगे, और हम लोग को ये भी लगने वाला है जो कि है फेंसेस, तो हम लोग फेंसेस बना लेते फटाफट से। तो इसके अंदर थे लॉग्स, ठीक है ये हम लोग के पास है, ये भी चाहिए, बस अभी इसी से काम चला लेंगे ना। रुको देखता हूँ ओके, नहीं चलेगा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बना लेता हूँ थोड़े से प्लैंक्स जिससे कि हम लोग बना पाए ये, और फिर हम लोग को प्लैंक ये वाला मिल जाएंगे, हम लोग को चाहिए। ओके काफ़ी है, इतने काफ़ी है, और मुझे शायद से और भी ज़्यादा, देखो मेरे को एन्चेंटमेंट देखो क्या क्या मिला है आपको, अरे नहीं आपको पता रहेगा क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में ही आपके सामने ही ऑनलाइन में टेम्पल के ऊपर गया था रेड करने, तो आप लोगों ने देखा ही होगा वो वाला पार्ट, तो इसीलिए दैट वॉज कॉमन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 1-2 शॉवल बना लेता हूँ क्योंकि हम लोग को रेत लगने वाली है, तो मैं यहाँ पर 2 शॉवल बना लिया, चलो रेत लेके आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर से रेत लेके आता हूँ मैं, यहाँ पर रेत ओके बहुत है आगे जाके, तो यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अभी यहाँ पर से इतना दबा के रेत लेंगे हम लोग, जितने की ज़रूरत नहीं होगी तभी भी हम लोग लेंगे क्योंकि बाद में हम लोग इससे कांच बनाने वाले हैं, इसलिए कास्ट के लिए तो रेत लगने ही वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पर से रेत लेने वाला हूँ बहुत सारा, क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है रेत की। मेरा 1 शोवल तो मतलब अच्छे से जीरा है यार, मुझे तो लगता था करके शोवल आराम से टूट जाएगा रेत के टाइम पे, पर नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, एकदम आराम से वो जीरा है, तो बहुत देर लग वो भी। ठीक है, बस हो गया, बहुत कर लिया, रात भी हो रही है, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं और फिर बस जाएंगे घर पे। ओके चलो जाते हैं घर पे, वहाँ पर बहुत सारा रेत हम लोग का ऐसे ही पड़ा है। कितने हो गए? बहुत यार, 64 का स्टैक हो गया, ये तो ज़रा ज़्यादा ही हो गया। ठीक है चलो जाते हैं फटाफट से, नो क्या हो गया, सो जाते हैं और फिर अगले दिन करेंगे हम लोग, पहले तो सबसे पहले तो हम लोग को घर पर जाना है। वहाँ पर देखो यार, इधर से मोनोगेमस कितना तगड़ा लग रहा है, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहले तो अभी चढ़ते हैं ऊपर और ये सो जाते, देखो मेरा घर तक इतनी गरीबी आ गई है, मेरा घर तक खुला है, मतलब सोचो कितनी गरीबी चल रही है। सबसे पहले तो अभी ये बाद में ठीक करूँगा मैं, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इधर ही किधर तो बनाएंगे हम लोग हमारा कैक्टस फार्म, यहाँ पर बना लेते हैं, तो उसके लिए शायद हम लोग को लगने वाला है ये प्लैंक्स का ही बना लेते हैं हम लोग के पास है बहुत सारा प्लैंक्स, इतनी भी गरीबी नहीं है। बाजू बाजू में हम लोग ये लगा लेंगे, ठीक है ओके, ठीक है बस है इतना लंबा, ओके यहाँ पर से हम लोग ऊपर ऊपर लगा के हो जाएगा। ओके हो गया, इतना हो गया हम लोग को, अभी इसके अंदर पानी भरना होगा, तो यहाँ पर 2 बकेट अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना देते जल्दी से नज़दीक में ही, और ये यहाँ पर एक कॉर्नर में और दूसरे कॉर्नर में, ये हम लोग का अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है, और शायद से मुझे ऐसा
जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर से हम लोग को बीच की तरफ लेके आना था। नहीं यार, नहीं वैसे नहीं करना था। हम लोग को करना ये था कि यहाँ पर से छोड़ना था इसको, इस कॉर्नर में से सभी को, सब लोग बीच में जा रहे हैं और सीधा सीधा जाना चाहिए था। ओके, ऐसे ही कुछ तो था। और फिर हम लोग अभी, मेरे को और थोड़ा सा ब्लॉक्स लगेंगे कॉबलस्टोन के, मेरे पास है। ओके, मेरे पास है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग चढ़ेंगे चढ़ेंगे ओके। और यहाँ पर जाके हम लोग, कुछ ऐसे ही था यार, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है। मतलब जितने वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, कभी कभार मैं देख चुका हूँ वीडियोस, उसके अंदर के हिसाब से तो यही कुछ तो था वहाँ पर। ऐसे लगा देते हैं वो लोग, ठीक है। फिर बीच में स्पेस छोड़ना रहता है, यहाँ पर छोड़ दिया एक। यहाँ पर जाएंगे हम लोग, ओके। इसके ऊपर एक, ठीक है। तो इतना बस है। तो यहाँ पर से भी हम लोग को वैसे ही करना है, ठीक से इनटू सेम। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। तो इतना कर लिया, यहाँ पर भी सेम करना है हम लोगों को। अरे यार, नीचे कैसे लग गया। ठीक है, ओके, ये एकदम सही हो गया। तो यहाँ पर 6 के बंदोबस्त हो चुके हैं। यहाँ पर भी अभी और भी कर देंगे हम लोग, ताकि वो एक साथ ही हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए बस। ओ यार, नाम ले लिया और आ गए। ठीक है, यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पर डन, वहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। और अरे यार, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अरे ओके ओके, मैं ब्लॉक के ऊपर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से चढ़ के यहाँ पर एक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग टूट गया। यहाँ पर भी 2 ब्लॉक्स लगा देंगे, इसके ऊपर चढ़ के यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ओके। तो इतना तो हम लोग ने कर दिया है। अभी हम लोग को इस सब सभी के ऊपर हम लोग को कैटेस्ट लगाने हैं धीरे धीरे करके। तो मैं यहाँ पर एक एक करके सब लोगों पे कैटेस्ट लगा दूँगा। इस तरह से ही कैटेस्ट लगाने थे। ठीक है, ओ भाई गया, क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लगाया और यहाँ पर भी लगा दिया। अभी हम लोग लेंगे हमारी पिकैक्स और बीच में का, ओ नीचे का मत तोड़, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग ये बीच बीच में के गैप्स को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ओके। मस्त, एकदम एकदम बेस्ट तरीके से हुआ है। बस ये पानी के बहाव के कारण कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, बस बस इतना ही प्रॉब्लम है। अगर कुछ अभी टूटा तो बहुत ज़्यादा वाट लगेगी। ठीक है, तो इतना तो मैंने कर दिया है। यहाँ तक देख कितने बार गिरूँगा मैं, ठीक है, ओके। मस्त, एकदम एकदम बेस्ट हुआ है, ठीक है। वो बीच का भी ब्लॉक हम लोग तोड़ देते, खाली फुक्कड़ ऐसे ही बकवास लग रहा है। ओके, तो हम लोग ने इतना तो बना दिया है। इसके ऊपर हम लोग ने कैटेस्ट भी लगा दिया है। अभी एक और काम करना था हम लोग के पास। कितने हैं ये? 9 ही है हम लोग को, और लगेंगे। मुझे लगा था ऐसा कुछ तो लग रहा था, पर मुझे फिक्स पता नहीं था मैं कितना बनाने वाला हूँ, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। पर कुछ नहीं, हम लोग कितना भी बना सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लो बना दिया, 15 बना दिया, बस हो गया इतना तो फ़िलहाल के लिए, काफ़ी। हम लोग के पास और भी थे, ओके। ये 3 भी ले लेते हैं, क्या करेंगे अकेले बैठे बैठे। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर से, हम लोग को चढ़ना है ऊपर, ओके। इसको थोड़े देर तक तोड़ दो, नीचे गया वो, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर करना ये है कि एक इसके ऊपर डालना है ब्लॉक,
उसके ऊपर भी एक, और इसको तोड़ देंगे हम लोग। मेरे पास पिकैक्स लेके आया, ओ नहीं यार मैं लेके ही नहीं आया, मैं एक्स को भूल ही गया घर पे। ओके तो ये यहाँ पर है हमारी एक्स है, ठीक है, तो हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है चढ़ते एक बार ऊपर, और यहाँ पर से इसको नीचे से तोड़ देंगे। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग इसको इधर लगाएंगे और इधर से तोड़ देंगे। मिली क्या? हाँ मिल गई। ओके अभी तो ये हो गया काम, एकदम आसानी से हो गया। अभी हम लोग को सिर्फ इन लोग के बीच बीच में लगा देना है ताकि ये लोग उगे ना, बस बस इतना ही करना है। मैं ये कैक्टस को सब तोड़ दूँगा ताकि मेरे को जो बीच का रास्ता है वो फ्री मिले। ठीक है तो ये बीच बीच में इन लोग के लगा दिया मैंने। ओके एकदम तगड़े तरीके से लगाया मैंने, और उसी तरह यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है और ये बीच में का तोड़ देंगे। और ना मिला ना? हाँ मिल गया। ठीक है तो फिर अब भी बचा है यहाँ पर हम लोग को लगाना है ये सब, फटाफट से लग जा बस। तो अभी दोनों साइड की ये नहीं उग पाएंगे, तो सबसे पहले तो ये नीचे का तोड़ देते हैं हम लोग, ये दोनों तरफ से टूट जाए बस। ओके और अभी बचा पूछे कैक्टस को भी हम लोग लगा देंगे, और ये सब बात अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो अभी तक इतना तो कैक्टस फार्म हम लोग का बन चुका है, और यहाँ पर ये सब कलेक्ट होते रहेगा। और इसके आगे हम लोग लगाने वाले हैं हमारा ये, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा ही कुछ तो बोलते हैं उसको, हाँ हॉपर, मैं भी सब नाम भूलने लगा हूँ अभी। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग हॉपर लगा देंगे, और जिससे कि ये एकदम तगड़ा चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। अभी मुझे भी पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं देखूँगा अगर ये डिज़ाइन चल रही होगी या फिर लास्ट टाइम हम लोग यूट्यूब का ही सहारा लेंगे और फिर इसको चला के दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हाँ इतना ही, क्योंकि 17 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैंने आपको दो टॉपिक कवर करवाया, मेरे स्केलेटन फार्म, और फिर उतना ही नहीं, मैंने अपने हम लोग ने कैक्टस फार्म भी बना लिया है। और मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में, पर जाने से पहले आपको एक काम मेरा करना होगा, वो है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर देना, क्योंकि आप किसके लिए रुके हो, वो एकदम फ्री है। और इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये तो मैंने आपको बता दिया है, शेयर भी करना दूसरे लोगों को। और मैं आपसे मिलूँगा इसके या फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।